इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नई रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाते हैं प्याज की लिट्टी। इसके लिए चॉप किया हुआ प्याज लिया है, इसमें नमक डाले और थोड़ी देर के बाद इसे कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निचोड़ ले। मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, मंगरेला, अजवाइन, आम की खटाई। अगर आपके पास आम की खटाई ना हो तो आप इस नींबू का रस डाल सकते हैं और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके लिए गेहूं के आटे लिए हैं और इसे अच्छी तरह से टाइट गूंथ लिया है। दो बूंद सरसों का तेल डालें, तरह से आटे की लोई बनाएं और इस तरह से इसकी कटोरी बनाएं। आटे की कटोरी में प्याज को फिल करें। तवे को रख दिया गर्म होने के लिए और इसे तवे के ऊपर रखें। गैस की आंच धीमी रखें, इसे धीमी आंच में सेक लें और इसे ज़्यादा करारी बनाने के लिए गैस की आंच पर सिकाई कर ले, घी में डुबो दे। लिट्टी बनकर तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें।